गेल्या काही दशकांपासून धर्मनिरपेक्ष किंवा सेक्युलर विचारधारा मानणाऱ्या पक्षांचा आपल्या समाज घटकांमधला अल्पसंख्यक मागास आणि ओबीसी घटकांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होतोय। ध्रुवीकरण आणि पोलरायझेशनच्या राजकारणाच्या ट्रॅप मध्ये अडकून सेक्युलर पक्ष सुद्धा सेक्युलर व्हॅल्यूजची संवैधानिक मूल्यांची बाजू घेताना आपला हिंदू मतदार नाराज होणार नाही ना याची काळजी घेतात आणि या ट्रॅप मध्ये फसल्यामुळं अल्पसंख्यक समाजाच्या ओबीसी समाजाच्या संवैधानिक बाबतीमध्ये सुद्धा बोलण्याचं धाडस प्रस्थापित तथाकथित सेक्युलर पक्षाचं होत नाही आहे। त्यामुळं त्या पक्षांमध्ये काम करणारे अनेक वर्षानुवर्षापासून दशकांपासून काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काम करत असताना सामाजिक जाणीवा जिवंत असलेल्या लोकांची घुसमट होतोय आणि त्या घुसमटीतून काहीतरी मार्ग काढणं गरजेचं आहे। प्रश्न आपल्या नेतृत्वाचं स्वतःचं नेतृत्व सिद्ध करण्याचा नव्हे तर समाजाची जबाबदारी घेऊन आपण समाजाची बाजू मांडण्यामध्ये आपल्या पक्षाला आपल्या नेत्यांना कमी पडत आहोत आणि आपले नेते आपल्याला प्रतिसाद देत नाही आहेत आणि समाज आपल्याला विचारतो की या मुद्द्यावर तुमच्या पक्षानं काय भूमिका घेतली सांगा। तेव्हा काँग्रेस पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमधल्या मुस्लिम नेत्यांची घुसमट होत आहे। अशीच घुसमट होत असलेले 8 ते 10 महत्त्वाच्या नेत्यांनी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांकडे आदरणीय रेखाताईकडे संपर्क केला आणि आपली ही परिस्थितीशी त्यांना अवगत केलं। अशा परिस्थितीमध्ये आदरणीय बाळासाहेबांनी आणि आदरणीय रेखाताईंनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही पर्याय बनण्यासाठी लढायला तयार असाल तर पक्ष तुम्हाला ताकद देण्यासाठी तयार आहे। समाजाच्या ज्या जबाबदाऱ्या तुम्ही समाजासाठी लढण्याची जी बाब तुम्ही तिथं राहून करू शकले नाही ती जर तुम्हाला आपल्या समाजासाठी लढायचं असेल तर आपण जबाबदारी घ्यावी आम्ही तुम्हाला संधी देऊ असा शब्द आदरणीय साहेबांनी आदरणीय ताईंनी दिला आणि त्यांच्यासोबत बैठक झाली। या बैठकीमध्ये त्यांनी जबाबदारी घ्यायचं कबूल केलं आणि या 8 ते 10 काँग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदावर असलेले अनेकदा नगरपरिषद महानगरपालिकेची पदं मिळवलेले नगरसेवक पदं मिळवलेले विधानसभा लढलेले आणि आमदार विधान परिषदेचे सदस्य राहिलेले सुद्धा सदस्य आहेत। या सगळ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या सगळ्या 8-10 लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आपल्यामध्ये नकीबुद्दीन खतीब साहेब यांना त्यांनी आपलं प्रतिनिधी म्हणून आज आदरणीय रेखाताई यांच्या बाजूला ते बसलेले आहेत आणि त्यांची जी काही मांडणी आहे त्या सगळ्यांचं जे मत आहे ते मांडण्याची जबाबदारी आदरणीय खतीब साहेबांवर आहे। आदरणीय खतीब साहेब यांचं परिवार 70 वर्षापासून काँग्रेस पक्षाचं एकनिष्ठ म्हणून राहिलेलं आहे। आदरणीय खतीब साहेबांनी या 50 वर्षाच्या काळामध्ये स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये काँग्रेसला अनेक ठिकाणी सत्ता मिळवून दिलेली आहे। ते स्वतः विधान परिषदेचे आमदार राहिलेले आहेत, ते माजी आमदार आहेत, ते राज्याचे उपाध्यक्ष आहेत, ते ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सदस्य सुद्धा राहिलेले आहेत। परंतु आपण आपल्या समाजाला न्याय मिळवून देऊ शकत नाही ही हतबलता लक्षात घेऊन आज त्यांनी आपली भूमिका प्रसार माध्यमांसमोर मांडण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे। मी आदरणीय ताईच्या परवानगीने खतीब साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं निवेदन सविस्तरपणे इथे मांडावं। आदरणीय खतीब साहेब हाँ ये निवेदन कॉपी सर्कुलेट कर दो मिलिंद सबको खतीब साहेब मांडणार आहेत ते निवेदन तुमच्याकडे फिजिकल कॉपी येत आहे। आप शुरू की आदरणीय ताई और मंच पर बैठे हुए खासतौर से मेरे साथ
वंचित बहुजन आघाड़ी के दो मुस्लिम नेता फारूक अहमद साहब और इम्तियाज लद्दाख साहब और आदि के कई मौजूद हैं। मेरा नाम खतीब सैयद नातिकुद्दीन है। मैं विधान परिषद का माजी आमदार रहा हूँ। मेरी फैमिली हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। मैं मेरी थोड़ी सा परिचय दूँ कि मेरे नाना काजी करीमुद्दीन साहब जो के हमारे संविधान समिति जो थी, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मेरे नाना संविधान समिति के मेंबर थे। उनके एक छोटे भाई काजी कैसुद्दीन जो कि बालापुर से दो मरतबा आमदार रहे और महाराष्ट्र की पहली कैबिनेट में फूड एंड ड्रग्स के कैबिनेट मिनिस्टर थे। मेरे दादा बालापुर में 1932 में नगर परिषद का फॉर्मेशन हुआ। मेरे दादा सैयद जलालुद्दीन खतीब नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में उनके इंतकाल के बाद में 1938 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मेरे फादर 1940 में सियासत में आए। 40 से लेकर 46 तक वो नगर परिषद के सदस्य रहे। उसके बाद में 1946 से लेकर टिल हिज डेथ यानी 1980 तक वो नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ये पहली केस होगी तो जो इतने कंटिन्यू साल से नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। उनके इंतकाल के बाद 1984 में बालापुर नगर परिषद के इलेक्शंस हुए। 84 से लेकर आज तक मैं, मेरी मिसेज, मेरा लड़का सैयद अनुद्दीन खतीब उसके भी अध्यक्ष करके 3 टर्म पूरी हुई। इस बीच 2-1 साल हमारे कुछ लोगों ने गड़बड़ की जिस वजह से नगर परिषद का अध्यक्ष पद हमारे पास नहीं रहा। मगर हमारे बालापुर के मैं मतदानों का हमेशा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने 3-3, 4-4 पीढ़ियों से हमें साथ दिया। मैंने कांग्रेस के लिए हमेशा काम किया और मैं चाहता था कि कांग्रेस में मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। मगर हमने देखा कि 2024 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो एक भी मुसलमान को पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया गया और उस वक्त ये कहा गया था कि इन हालात में मुसलमान को टिकट देना ज़रा मुश्किल है, मगर आने वाली जो विधान परिषद आने वाली है उसमें हम मुसलमान को टिकट देंगे। मैंने नाना पटोले साहब से बात किया। नाना पटोले साहब ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल आपके दोस्त डॉक्टर वजाहत मिर्जा जो है हम उनको रिपीट करेंगे। मैंने कहा साहब ठीक है, उनको रिपीट कीजिए या किसी न किसी मुसलमान को विधान परिषद का आप टिकट दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सॉलिड कोटा है। 100% मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट वहाँ से चुनकर आ सकती है। मगर हमने देखा कि वहाँ पर भी हमको न्याय नहीं मिला। मगर अगर से हमारे वोटों से कांग्रेस और आघाड़ी चुन कर आती है और सत्ता में जब भागीदारी का समय आता है तो 800 से मुस्लिम माइनॉरिटी को साइड किया जाता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आज के इस समय में, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब था, इसलिए संविधान को बचाने के खातिर पूरे हिंदुस्तान में सभी अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस का साथ दिया। मगर जब इतना होने के बावजूद भी कांग्रेस को हिस्सेदारी में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने और हमारे साथ कुछ कांग्रेस के राष्ट्रवादी के नेताओं ने यह फैसला किया कि सत्ता में भागीदारी हमें कौन ले सकता है, हमारे मसाइल पे कौन बात कर सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि महाराष्ट्र में जो अकोला है, बाला साहब वहाँ से 2 मरतबा खासदार चुनकर आए और उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों को वहाँ सत्ता में रखा
जिला परिषद का अध्यक्ष भी उन्होंने सेविया अंजुम को बनाया। यही नहीं बल्कि आज भी जिला परिषद की महिला व बाल विकास जो सभापति है वो मुस्लिम माइनॉरिटी की है। आज 3-4 पंचायत समितियों में उप सभापति माइनॉरिटी के है। कई पंचायत समितियों में इन 20 सालों में बाला साहब ने मुस्लिम सभापति बनाए, नगर परिषद के अध्यक्ष मुस्लिम बनाए। अभी हमारे विदर्भ में जो 2016 में नगर परिषद के इलेक्शन हुए तो बल्डाना और मंगरूलपुर के अध्यक्ष जो कि दारिक इलेक्शन में बाला साहब ने चुना कर लाए। हमको ये लगता है कि सत्ता में हमको जो बराबरी जो है तो सिर्फ वंचित ही देती है। आपने देखा कि हमारे राहुल गांधी साहब कोल्हापुर आए, कोल्हापुर आने के बाद में वो विशालगढ़ तक नहीं गए। वहां के जो मजलूमों पर जो जुल्म हुआ उसको किसी ने नहीं देखा। कांग्रेस ने उसके तरफ दो अल्फाज नहीं बोला। यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में जो औकाफ का एक्ट आया उस पर जो पूरी ताकत से उसका विरोध करना चाहिए कांग्रेस पे रही नहीं बल्कि किसी ने उस पर कुछ कहा नहीं। बल्कि यहाँ के जो सेना के खासदार मुस्लिम वोटों से चुनकर आए माइनॉरिटीज के और हमारे दलित वोटों पर से ओबीसी वोटों पर चुनकर आए वो भी पार्लियामेंट में बिल के वक्त में एब्सेंट रहे। तो हमें ये लगता है कि हमारे मसाइल कि आज कोई हमको साथ देने वाला नहीं है। बाला साहब ने हमेशा वंचितों का साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया। आप देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे पैगंबर के बारे में अनाप शराब लोग स्टेटमेंट देते हैं मगर हमारी पार्टी ने जो उसका विरोध करना चाहिए, जो उस पर एक्शन लेना चाहिए कांग्रेस ने वो नहीं ली। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ बाला साहब अम्बेडकर को कि उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बिल विधान परिषद में सबमिट किया मगर उस बिल को सपोर्ट आज तक भी जिनके लिए हमने हमारी जिंदगी कमाई कांग्रेस को सत्ता में लाया मगर उन लोगों ने बिल को आगे बढ़ाने के लिए कोई मदद नहीं की। हमारे जो जो मसाइल हैं खासतौर से माइनॉरिटीज के उस पर किसी ने ख्याल नहीं दिया। इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि आज हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिसमें हम लोग को सत्ता मिले, हम लोगों को कुछ टिकटें मिले। मैंने और हमारे माइनॉरिटी सेल जो था उन लोगों ने कांग्रेस के हाई कमांड से और खासतौर से नाना पटोले साहब को एक लिस्ट दी थी कि महाराष्ट्र में 42 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कि जहाँ से मुस्लिम माइनॉरिटी के नुमाइंदे चुनकर आ सकते हैं। आप उन 42 जगहों पर मुस्लिम माइनॉरिटीज को आप टिकट दीजिए। नहीं आप 42 देते तो कम से कम हमको 24 महा विकास अघाड़ी ने सबने मिलकर कम से कम 24 लोगों को टिकट देना चाहिए मगर हमें उसका कोई खातिरखा जवाब नहीं मिला। मैं समझता हूं कि 2-4-5 सीटें दे देंगे उसके अलावा कुछ देंगे नहीं बल्कि मुंबई में वो ज्यादा सीटें देते हैं। मुंबई के अलग सिचुएशन है, यहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय भाई और बाहर के लोग मुस्लिम काफी है उनको देते हैं मगर जो ग्रामीण के मुसलमान है उनको जो सत्ता मिलना चाहिए या उन्होंने जो आमदारकी में चुनकर आना चाहिए उनको स्थानीय स्वराज संस्था में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। इसके लिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग वंचित से हम लोग खड़े रहेंगे और आप लोगों का सबका साथ रहा, सबका वो रहा तो चुनकर लाएंगे। और मुस्लिम्स को खासतौर से जो जो इस राज्य में वंचित है उनको सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए, उन्होंने सत्ता में आना चाहिए,
उसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं तमाम हमारे जो उलमा हजरात है, खासतौर से जमीयत उलमाए हिंद हो गया या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो गया या जमात इस्लामी हिंद हो गया, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वो किसी एक पार्टी का साथ ना दे, किसी एक पार्टी के लिए ऐलान ना करे, बल्कि जो सेकुलर पार्टी है और जिसे हम लोग चुनकर आ सकते हैं उनका भी ख्याल करें और उनको भी सपोर्ट करें। क्योंकि हमने देखा है कि जो कांग्रेस में एक दोनों मुस्लिम का ग्रुप है, जब मुस्लिम को टिकट दी जाती है तो उनका साथ नहीं देते, और आज वंचित वाले जो है वो लोग ऐसे हैं कि उनके पास में जाति भेदभाव नहीं होता और वो लोग बराबर जो भी वंचित के जिस भी नुमाइंदे को टिकट दी जाती है उसको पूरा वोट देते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर इन सब वंचितों को हक दिला सकते हैं, और आज इसी वजह से हम लोग पार्टी में आए हैं। मैंने मेरा जो लिखित निवेदन है वो आप लोगों के सामने रखा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पत्रकारों ने उसको पढ़ा होगा।